मुंबई में चलती ट्रेन में गोलीकांड, चार लोगों की मौत, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ ने किया कारण का खुलासा। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। मुंबई से चलती ट्रेन में दिन दहाड़े गोलीकांड की खबर सामने आई, जहां पर आरपीएफ में कार्यरत एक कांस्टेबल ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस पूरे गोलीकांड के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ ने इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि आज सुबह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर से मुंबई की ओर आ रही थी। उसी दौरान जब ट्रेन बोरीवली दहिसर स्टेशन के बीच में पहुंची, तो ट्रेन के बोगी नंबर B5 कोच में अचानक गोलीबारी होने लगी। आपको बता दें कि इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने दिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह मानसिक रूप से परेशान था और काफी गर्म दिमाग वाला था, जिसके चलते किसी विवाद को लेकर उसने अपना आपा खो दिया और अपने सीनियर ASI टीकाराम मीना पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें ASI की मौत हो गई। साथ ही साथ आसपास जिनको भी देखा उन पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 3 अन्य यात्रियों की भी मृत्यु हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांस्टेबल ने अपने राइफल से 12 राउंड फायरिंग की थी। आपको बता दें कि इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने के बाद कांस्टेबल ने ट्रेन की चेन खींचकर भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस गोलीकांड में जिन 3 यात्रियों की मौत हुई थी, उनमें से एक नाला सुपारापुर का रहने वाला था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल चेतन को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर आगे की जांच की जा रही है। वहीं इस गोलीबारी में जिन आरपीएफ ASI अधिकारी की मौत हुई, उनके परिजनों को रेलवे द्वारा 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ वही मृतक यात्रियों के परिजनों को 20,000 रुपए अंतिम संस्कार व 65,000 रुपए इंश्योरेंस के तहत मिलेंगे। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट।